जो अपने जैसे चाइल्ड बेबी उत्पन्न कर सकता है, ठीक, और जो खाना खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं लिविंग थिंग्स में। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। जितनी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स भी हैं, वो सारी क्या चीज है, वो सारी लिविंग थिंग्स हैं। आइए हम धीरे धीरे इसे हम रीड करें। ओपन योर बुक, अपनी बुक ओपन कीजिए, उसमें फिगर्स है, आप हमारे साथ रीड कर लीजिए। सबसे पहले हमको पढ़ना है प्लांट के बारे में। आपने देखा है क्या कोई प्लांट एक बैग इतना बड़ा हो जाता है? नहीं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक छोटा सा सीड लेते हैं। इस सीड को मिट्टी के अंदर लगा देते हैं। धीरे धीरे सीड में से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं। जो नीचे का हिस्सा होता है वो रूट बन जाता है, और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो स्टेम बन जाता है। वही धीरे धीरे बड़ा होकर प्लांट बन जाएगा, ये इसका स्टेम है। इसके बाद धीरे से इसमें लीव्स आना शुरू हो गई, फिर इसके ऊपर इसमें फ्लावरिंग आने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से ये जो बेबी प्लांट्स है, पहले क्या था, सीड था, सीड ने ग्रो अप किया, तो सबसे पहले बनाया बेबी प्लांट्स, और यही बेबी प्लांट्स बाद में बड़ा होकर क्या बना देता है, ये बेबी प्लांट बड़ा होकर एक बिग प्लांट बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि कैसे एक सीड ने ग्रो किया, और एक सीड ग्रो करके, जब सीड ग्रो करता है तो क्या बनता है, आप अपने बुक्स में देखिए फिगर्स भी बना हुआ है, आप भी प्रैक्टिस करेंगे फिगर्स बनेगा। एक सीड है, वो सीडलिंग बना और फिर प्लांट्स बना, ऐसे हम प्लांट प्रोसेस चलते हैं। सीड, सीडलिंग और फिर प्लांट्स। देखा बच्चों कि प्लांट्स कैसे बना, सीड से फिर सीडलिंग फिर प्लांट्स बना, फिर इस प्लांट्स में से हमें फ्रूट्स मिलने लगे, लीव्स हैं इसमें, हमने यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं किस तरह से ग्रो करते हैं ये आप फिगर से भी समझ सकते हैं, और आपके सामने प्रोसेस भी लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बर्ड के बारे में, ये बर्ड्स कैसे ग्रो करते हैं। आपने देखा है नेस्ट देखा है ना बर्ड्स का, इसमें क्या होते हैं, एक होते हैं, एक है धीरे धीरे इन एग्स में छोटे छोटे चूजे निकलते हैं, जिसे हम नेस्टिंग कहते हैं। ये आपका नेस्ट है, अभी इसमें से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे बर्ड्स के, छोटे नहीं छोटे बर्ड्स, पहले बर्ड्स निकल रहा है, जिसे हम नाम देते हैं नेस्टिंग। क्या कहते हैं, नेस्टिंग, और यही नेस्टिंग बाद में बड़ा होकर क्या बन जाता है, एक देखिए ये बर्ड्स बन गए। ओके, आपको देखा ये बर्ड्स कैसे ग्रो किया, एग से, एग में से नेस्टिंग बने और उसके बाद बर्ड्स बन गए। इसका प्रोसेस आपसे पूछा जाएगा, नाम लिखेंगे एग, नेस्टिंग बर्ड। किसी का भी विकास बच्चों धीरे धीरे होता है, उसमें कुछ टाइम लगता है, और लास्ट में वो ग्रो अप करके अपने संपूर्ण उसका बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करता है। जैसे आप अपना उदाहरण लीजिए, आप सबसे पहले क्या थे, छोटे बेबी थे, ठीक। आइए हम आपके बारे में पढ़ते हैं, पहले आप बहुत छोटे थे तो आपको क्या कहा जाता था, बेबी। फिर आप थोड़े से बड़े हुए, फिर आपके नाम क्या, चाइल्ड। फिर उसके थोड़े से और बड़े हुए, फिर आपको कहा जाता था टीनेजर। टीनेजर उसके बाद अभी आप बच्चों, आप चाइल्ड में आप
आयरन है वो आ जाएंगे। और देखा बच्चों तो कैसे आपने ग्रो किया, आपने भी धीरे धीरे आप ग्रो करेंगे, यानी इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा आपको ग्रो करने में। और जैसे जैसे आपका ग्रो होगा, जैसे जैसे आपका विकास होगा, वैसे वैसे आपका जो कुछ क्वालिटीज है वो बढ़ती जाएंगी, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यानी कि आप जैसे पहले दिखते थे उससे थोड़ा डिफरेंट दिखने लगेंगे, आपके वर्क करने की कैपेसिटी बदल जाएगी। इस तरह से होता है ग्रोइंग अप। तो बच्चे ग्रो करने के लिए हमें फूड, एनर्जी ये सब चाहिए रहेगा, यानी कि एनर्जी हमको कैसे मिलेगी, जब हम हेल्दी फूड लेंगे, जब हम अपने हेल्थ को हेल्थ पे ध्यान देंगे, आप हेल्दी रहेंगे। इस तरह से आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। आपको अपने चैप्टर में यही पढ़ना था, उसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉय है जिसका नाम है जतिन, वो अपने बारे में बता रहा है। जतिन बात कर रहा है कि हेलो आई एम जतिन, वो अपने बारे में कह रहा है कि मैं जतिन हूँ। जतिन कितने ईयर्स का है? जतिन 7 ईयर्स का है। जतिन जतिन क्या है? एक बॉय है। उसने बोला कि आई वॉज बोर्न एज ए स्मॉल बेबी। वो जतिन आपको बता रहा है कि जब मैं छोटा बेबी के रूप में जब मैं पैदा हुआ था, जब जतिन पैदा हुआ था कैसा आया? छोटा बेबी था। फिर क्या हुआ? जब छोटा बेबी का, छोटे बेबी का क्या काम होता है? वो सिर्फ सोते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, वो भी सिर्फ सोता रहता है। और क्या पीता था? मिल्क पीता था, फिर वाटर पीता था, या फिर कभी कभी रोता था। जब भी उसे भूख लगती थी तब वो रोता था। बेबी क्या कहता था? ऐसे रोना। और जब हमें भूख लगती है तो हमें सिर्फ मिल्क चाहिए। ठीक, देखा आपने, जब हम बेबी के, जब बेबी वाले स्टेज हम कैसे थे, उसके बाद क्या होता है? कुछ समय बीतता गया, उनके जो पेरेंट्स हैं हमारी देखते हैं, हमारे पेरेंट्स करते हैं, ऐसे ही जतिन की देखते उसकी पेरेंट्स कर रहे थे। फिर वो जतिन धीरे धीरे बड़ा हो गया। जतिन बड़ा हुआ, बेबी से क्या बन गया? चाइल्ड बन गया। फिर किस कुछ दिनों बाद उसने जतिन बता रहा है एक उत्सव, यानी कि एल्डर ब्रदर है उनके, आई वुड बी एज ओल्ड एज माई एल्डर ब्रदर। सो वो अपने जो उत्सव भाई है तो वो अपने भाई के जैसे वो भी क्या हो गया? और बड़ा हो गया, यानी कि वो आ गया टीनेजर। बन गया क्या? बन गया वो टीनेजर। जब आपकी उम्र हो जाएगी 15 या 18 में, तो आप इस तरह के टीनेजर बच्चों, इस तरह से आपको भी पढ़ने में टाइम लगेगा। आप भी पहले बेटी थी, फिर चाइल्ड होने का बाद कौन से स्टेज में आएंगे? टीनेजर स्टेज। फिर क्या हुआ? फिर कुछ साल बीत जाएंगे, फिर जतिन क्या बन जाएगा? जतिन भी फादर बन जाएगा, यानी वो एडल्ट आ जाएगा, वो एडल्ट स्टेज में। फिर क्या हुआ? फिर कुछ दिनों बाद वो अपने दादाजी के जैसे दिखने लगेगा, तो फिर उसकी स्टेज आ जाएगी ओल्ड फ्रेंड वाले। वैसे जतिन अपने बारे में बता रहा है, ठीक वैसे ही अपने सिस्टर के बारे में बता रहा है। उसकी सिस्टर का नाम प्रिया है, प्रिया एक गर्ल। जतिन की सिस्टर का क्या नाम है? प्रिया। प्रिया एक गर्ल है, उसके बारे में बताया है। प्रिया भी जब हुई थी तो पहले क्या थी? छोटी बेबी थी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो बड़ी होने लगी, तो एक वो क्या होती थी? वो जब धीरे धीरे बड़ी होगी तो अपने मम्मी जैसी दिखने लगेगी, फिर उससे बड़ी होगी तो अपनी दादी जैसी दिखने लगेगी। तो ऐसे ही हम देखते हैं थोड़ा लोग धीरे धीरे बड़े हो गए, उसमें किसी रूप में उसका उदाहरण हमारे पेरेंट है, हमारी दादी है, हमारे दादाजी है, पापा मम्मी है। ये भी धीरे धीरे बेटी थे, फिर
फॉर एग्जाम्पल जैसे चेयर है आपके घर में, चेयर कितने भी साल पुराना हो जाए क्या वो बढ़ेगा? नहीं। क्या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा? नहीं। इसलिए जो भी चेंजेस होंगे वो सिर्फ लिविंग थिंग्स में होगी, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होगी। ठीक, इज दैट क्लियर? या आपको क्लियर हो गया? आप अपने बुक्स में इस लेसन को फिगर देखिए और यूनिट्स के साथ पढ़िएगा।